द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट के लिए गणित के टोटल यहां पर 10 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये आपके अग्रवाल पब्लिकेशन की जो बुक आती है एग्जाम कार्ड वहाँ से लिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना आवश्यक है कि हम लोग रोज सुबह 10 बजे टोटल 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और हम लोग अब तक कम से कम 5 से 6 पब्लिकेशन की किताबों को सॉल्व कर चुके हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग गणित के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करते हैं, उन गणित के प्रश्नों के लिए एक अलग से कॉम्प्लिकेट वीडियो बनाई जाती है। तो यहाँ पर गणित के प्रश्नों को हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, गणित के प्रश्नों को हम लोग सीखने वाले हैं। इस वीडियो बनाने का हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है कि गणित हमारा सीखना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। आपको पता होना चाहिए पिछले सुपर टेट की परीक्षा में लगभग 4 लाख लड़कों ने परीक्षा को क्वालिफाई किया था, लेकिन नौकरी सिर्फ 69,000 को ही मिली है। उनमें से बहुत सारे हमारे माताएं बहनें भाई बंधु हैं जो गणित के 20 प्रश्नों में से 5 नंबर 6 नंबर या 7 नंबर पर ही अटक गए थे और इस गणित के कारण ही उनका मेरिट में नाम नहीं आ पाया। तो इस अपने नंबरों को कम से कम 15 नंबर तक खींच कर ले जाना हमारा यहाँ प्रमुख उद्देश्य है। हमें गणित रट्टा नहीं मारना है और जादू भी नहीं देखना है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको जादू दिखाते हैं, जादू से सिलेक्शन नहीं होता है। 1-2 प्रश्न तो आप सॉल्व कर लेंगे, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो गणित में छोटी छोटी चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है। तो अगले 3 से 4 महीने तक जब तक आपका गणित का परीक्षा नहीं हो पाती, सॉरी सुपर टेट का एग्जाम नहीं होता है, तब तक हमारे साथ बने रहिए। आपको मैथ में बहुत सारी चीज़ें सीखने को जानने को मिलेंगी। तो इस वीडियो लेक्चर का प्रमुख उद्देश्य क्या है भैया, कि गणित को सीखना है। कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, जो भी नई चीज़ मिले आप उसको जान लीजिए। दूसरा उद्देश्य क्या है कि गणित में आप चाहे इतना भी कमज़ोर हों लेकिन सुपर टेट में आपको 15 नंबर तो लाना ही है, 15 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। और तीसरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको 20 नंबरों में से 7 से 8 प्रश्न मौखिक ही सॉल्व करना है। अगर मौखिक सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो 1-2 लाइनों में आपको प्रश्न का आंसर निकालना है। ये सारी चीज़ें आपको अगले 3 से 4-5 महीने में सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 7 से 8 प्रश्न 1-2 लाइनों में ही सॉल्व कर लीजिए। आपको कम से कम 15 नंबर तक आपका स्कोर पहुंचना चाहिए, ठीक है। और मैथ को सीखना है, रट्टा नहीं मारना है। ये मेन उद्देश्य हैं, 3 मेन उद्देश्य हैं जिसके आधार पर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर आ सकता है। प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। यहाँ a की घात 2x+2 दिया है बराबर a दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाना है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या लिख दें, कोई भी संख्या लिख दें, मान लीजिए 200 लिख दें, 200 पर घात हम लगा दें 0, तो किसी भी संख्या पर घात लगाते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर x लिख देते हैं, x पर घात 0 लगा दें तो इस कंडीशन में भी 1 होता है मान। किसी भी कंडीशन में अगर कोई भी कितनी बड़ी संख्या हो या चाहे छोटी संख्या हो उस पर अगर 0 घात लगी हो तो उसका मान 1 होता है। ये हमने यहाँ पर समझा है। तो जो हमारा सवाल दिया गया है, a पर कितना घात है 2x+2 बराबर कितना लिखा है 1, 1 को हम लोग a ही लिख सकते हैं और a की घात 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे ये कहने का मतलब है, तो इस प्रश्न में जो 1 लिखा गया था उसको a की घात 0 लिख दिया है क्योंकि a की घात 0 का मान 1 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए आधार आपके बराबर हो गए। जब आधार बराबर होते हैं और बीच में बराबर का निशान लगा होता है तो घातें भी बराबर होती हैं, यानी 2x+2 इसकी घात किसके बराबर हो जाएगी, इस तरफ वाली घात कितना है 0, 2 उधर जाएगा तो 2x-k हो जाएगा 2, और 2 का भाग करेंगे दोनों तरफ तो इधर आ जाएगा -k 1। तो यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें आपको एक चीज़ सीखने को मिली है, किसी भी संख्या पर अगर 0 घात लगी हो तो उसका मान 1 होता है। ये चीज कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सीखने को मिला है। कॉपी पेन लेकर आप बैठे रहिए, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगें उसको नोट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं अपने 62 नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न आप सभी लोग पढ़िए ध्यान से, और इसमें औसत आयु निकालनी है। शिव मंगल सोम 3 लोग हैं, पहले की है 46, ठीक है, दूसरे की है 35, तीसरे की है 34। तीनों को जोड़ लीजिएगा, 3 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों वाला प्रश्न है, इसको कोई समझाने की बताने की यहाँ पर हमें नहीं लगता है कोई आवश्यकता होगी।
तो 38.3 इसका विकल्प रहेगा, जोड़कर 3 का भाग करना, ठीक इतना तो आप कर ही सकते हैं। अच्छा यहाँ पर आपको एक सूचना दे देते हैं कि हमारे जो सुपर टेट के लेक्चर हैं वो कब कब आते हैं। सवेरे 10 बजे आप सभी लोग तैयार रहिए। क्या करना है आपको, सवेरे 10 बजे 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आएगा। ये जो आप गणित का वीडियो देख रहे हैं वो सवेरे 11:30 बजे मिलता है। शाम को 6 बजे से कल से आपका जो है सुपर टेट की रीजनिंग का बैच स्टार्ट होगा। 7 बजे हिंदी का बैच आता है और शाम को 8 बजे किसका बैच आता है, संस्कृत का बैच आता है। तो इतनी टाइम आप सभी लोग याद रखिएगा, सुबह 10 बजे 11:30 बजे, शाम को 6 बजे, शाम को 7 बजे और शाम को 8 बजे, ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हैं, ठीक ना। तो इसको आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये प्रश्न जोड़ के 3 का भाग करना है, आप सभी लोग कर लेंगे। कभी बच्चों वाले प्रश्न भी मिल जाते हैं, ये भी बहुत छोटा सा प्रश्न है, इसको आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें निकालना है 5 / 1/2 में कितने 1/2 हैं, कितने 1/2 का मतलब हमें क्या करना है, इसका भाग करना है। तो हमें निकल आएगा कितने 1/2 हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 / 1/2 का मतलब होता है ये 2 का 5 गुणा करिए, 2 × 5 = 10 और फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। इसमें भाग किसका करना है, भाग करना है 1/2 का। तो ये कितना लिखा है, पहली संख्या 11/2, भाग का निशान गुणा में कन्वर्ट हो जाता है कब, जब अंश ऊपर हर नीचे आ जाता है, तो 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे रहेगा, तो 1 नीचे लिखने से कोई फायदा होता नहीं है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर 11 आ जाएगा। 11 पहला वाला विकल्प, सॉरी सी वाला नंबर आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो कितने 1/2 है निकालने के लिए, 1/2 का भाग करना, भाग करना ये भाग वाला इंसान गुणे में कन्वर्ट हो जाता है, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा 1 नीचे चलाएगा, ऐसा हो जाता है, ये सारी चीजें आप लोग जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर पर, ये भी बच्चों वाला प्रश्न है। आज हमें लगता है कि अपने प्रैक्टिस सेट में सब आसान प्रश्न ही मिलने वाले हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो पहले तो बड़ा सा ब्रैकेट लगा है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 80 और यहाँ पर लिखा है का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पर लिखा है 7.2 और नीचे प्रतिशत का निशान है, तो प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100 का भाग हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से यहाँ पर 0 कैंसिल करते हैं, 5 2 से कैंसिल करते हैं, 5 2 × 5 = 10 और ये 2 × 4 = 8 हो जाएगा। और क्या बचा है, देखो यहाँ पर एक गलती, तो चलिए कोई बात नहीं, पेन का कलर चेंज करते हैं फिर आपको बताते हैं। कैलकुलेशन करनी है, बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी, बहुत सारे भाई बंधु बहनें इसको सॉल्व कर चुकी होंगी, आंसर निकाल चुकी होंगी, लेकिन जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनको हम सॉल्व करना बता देते हैं। यहाँ 10 हटाएंगे तो नीचे 1 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 36 बार कैंसिल होगा, ये 25 बार कैंसिल होगा, ठीक है। आप ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ भैया ये 4 है, 4 ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, वर्गमूल से बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, 36 वर्गमूल से बाहर निकलेगा 6 हो जाएगा, इस 25 वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 6 × 2 हो जाएगा 12, 12/5, इसको 5 का भाग कर दो, 5 × 10 5 × 20 2.4 कहाँ पर है, 2.5 आपका विकल्प डी में है, तो विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। कुछ नहीं करना था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 3 क्रमागत बट्टे हैं 20, 10 और 5, इनका समतुल्य बट्टा निकालना है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के 2-4 तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका होता है उसको यहाँ पर हम लोग बताते हैं। जो सबसे आसान तरीका है वो क्या करिए, एक फार्मूला होता है उसको लगा दीजिए, x + y - x y/100, ये समतुल्य बट्टा निकालने का फार्मूला होता है, इसको आप लगा दीजिए। लेकिन इसमें सिर्फ 2 संख्या, x मतलब होती है पहली संख्या, y मतलब होती है दूसरी संख्या, लेकिन यहाँ पर 3 संख्याएं, 3 संख्या वाला फार्मूला होता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको हम लोग नहीं सीखेंगे, इसको ही सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 20 और 10 में ये फार्मूला लगाएंगे, जितना आएगा उसको हम 5 में भी लगा देंगे। तो क्या करेंगे, प्रश्न को 2 बार आपको सॉल्व करेंगे, पहले यह फार्मूला पहली संख्या 20 दूसरी संख्या 10 मान के लगाएंगे, यानी एक्स का मान 20 और वाई का मान 10 मान के लगाएंगे, ठीक है। चलिए फार्मूला यूज करते हैं। तो पहली संख्या कितनी भैया, पहली संख्या हमारी 20, 20% की बट्टा मिला यानी 20% की छूट मिली, दूसरी संख्या है 10, y का मान 10 माइनस के 20 गुणे 10 और नीचे कितना है 100, ये 2 0 ऊपर वाले 2 0 से कैंसिल हो गए, 20 और 10 मिलके हो गया 30, यहाँ पर 2 × 2 है तो 30 में से 2 बचेगा तो हो जाएगा 28। तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो कितना आएगा भैया, 28% आएगा, और आपका 5 अभी और बचा है। अब आपको 28 और 5 में यही वाला फार्मूला लगाना है, यानी कि x का मान कितना है, x का मान 28 मान लो, और दूसरी संख्या y है, y का मान कितना मान लो, 5 मान लो। चलो यहाँ लगा देते हैं।
यहाँ पर पहले x का मान 28 माना, y का मान कितना माना है, y का मान 5 माना है, माइनस के 28 मल्टीप्लाई बाई 5 और नीचे कितना है 100 है। अब यहाँ पर एक गलती कभी मत करिएगा कैलकुलेशन करते समय कि इस 5 को 100 से मत कैंसिल आउट करिएगा, नहीं तो गुणा भाग में दिक्कत हो जाएगी। क्या करेंगे अभी देखिएगा, ये 28 और 5 जोड़ दो तो 28 और 5 हो जाएगा गया कितना भैया 35 माइनस के। अब देखो 5 का 28 गुणा करो, 5 का 28 गुणा कर रहे हैं, 5 से 10 100 नहीं काट रहे हैं, क्यों नहीं काट रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। 28 से गुणा करो तो 5 8 40 की हो जाएगा 0 और 5 में 10 10 4 हो जाएगा 14, नीचे कितना बचा है 100। अब यहाँ 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं, ये आपका 33 है, ये है माइनस, ये एक 0 नीचे है, एक 0 जब नीचे होता तो क्या होता, ऊपर से पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लग जाता है, तो ऊपर क्या होता है पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लग जाता है, तो ये हो गया 1.4। तो इसीलिए यहाँ पर 0 कैंसिल आउट नहीं किया है कि दशमलव लगाना हमारा आसान होता है और फिर गुणा भाग करना, अगर यहाँ 5 हो जाएगा तो 5 का गुणा भाग करना मुश्किल होगा, तो इसलिए दशमलव को कैंसिल आउट नहीं किया है। उम्मीद है इस प्रकार के कैलकुलेशन आप समझ रहे होंगे। चल भाई अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, इसको सॉल्व करने का तरीका से भी समझ लीजिए। 33 में से 1.4 नहीं घटाना है, 1.4 को आप क्या मान लीजिए, इससे बड़ी संख्या जो होती है इसमें पूर्णांक मान लीजिए, तो 1.4 को पूर्णांक 2 मान लेते हैं, इससे बड़ी संख्या ही मानते हैं, तो 33 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 31। अब ये 0.4 था तो दशमलव इसको क्या मान लें 10 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6, तो 10 में से 4 जाएगा 6, हमारी ये कहने का मतलब है। तो हम इस प्रकार के घटाने के जब भी प्रश्न आए तो आप इस वाले तरीके से घटाइएगा कि जो ये वाली संख्या होती, क्योंकि घटाना तो बड़ा आसान है, इसमें आंसर तो आप निकाल लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें समझा रहे हैं उसको आप समझ लीजिए कि आगे भविष्य में काम आएंगी, कि इस प्रकार की जब संख्याएं मिले दशमलव वाली तो दशमलव मत घटाया करिए, उससे बड़ी वाली संख्या घटाइए। जैसे 1.4 से बड़ी संख्या क्या होती है, पूर्णांक में 2 होता है, तो 33 में से 2 घटा दिया तो आ गया 31। अब ये दशमलव बचा है, दशमलव क्या करिए, फिर दशमलव में क्या करिए कि 10 में से घटा दीजिए, 10 में से 4 घटाएंगे बचेगा 6, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम मान लें कि 45 में से आपको घटाना है 3.6 घटाना है, तो 45 में से 3.6 मत घटाइए, क्या घटाइए 7 घटाइए, तो 45 में से 7 जब घटेगा तो कितना आंसर आएगा भैया, 45 में 7 घटेगा 38 आएगा। अब ये दशमलव वाली संख्या को 10 से घटा दीजिए, तो 10 से 6 घटाएंगे तो कितना जाएगा 4 आएगा, तो 38.4 आपका आंसर हो जाएगा। ये हमने थोड़ा घटाना आपको सिखाया है, आपको 31.6 आंसर आ चुका था और कहां पर है विकल्प ए आपका यहां पर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के जब भी बट्टा वाला प्रश्न आए तो ये वाला फार्मूला आप यूज करिएगा, आपका प्रश्न जो आंसर होगा वो आसानी से निकल आएगा, और भी प्रश्नों को 2-3 तरीके से सॉल्व हम लोग कर सकते थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पेट्रोल टैंक का 2/5 जो भाग है वो 30 मिनट में भरता है, तो पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पर फिर आपको थोड़ा बहुत समझाना है, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और हम लोग अपने जो पुराने लेक्चर हैं उसमें ये सारी चीज़ें बार बार समझा चुके हैं। टैंक कितना भरा था 2/5, 2/5 कितना भरता है 30 मिनट में, तो 2/5 जब 30 मिनट भरता है यानी कि ये 2 की बात कर रहा है, ऊपर वाली संख्या 2 की बात कर रहा है, तो 2 की जो वैल्यू है वो 30 मिनट है, यानी दो किसी टैंक में जो 2 भाग है वो 30 मिनट भरता है, और जो नीचे होता है वो टोटल होता है, टोटल मतलब कुल, टोटल कितने पार्ट होते हैं वो हमारा टोटल कहलाता है। तो अगर टैंक पूरा पूरा भरना है तो हमें 5 भाग भरना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या टोटल कहलाती है, और जो ऊपर दिया गया है वो 30 मिनट में भर जाता है। ये 2/5 का क्या मतलब होता है ये आपको यहाँ पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जैसे कि ये बचपन में लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि 1/2, एक कोई सेब है उसका, हमने कोई सेब था उसका 1/2 भाग खा लिया, तो 1/2 भाग खाने का मतलब अगर सेब के 2 टुकड़े कर दो तो उसने 1 भाग खा लिया है। तो जो हम बात करते हैं, जो कहते हैं, जिसके बारे में बात हो रही होती है, एक मिनट, हाँ भैया, तो जिसके बारे में बात हो रही होती वो ऊपर लिखा होता है, जो टोटल जितने टुकड़े होते हैं वो नीचे लिखा होता है, सेम ही कंडीशन है। टैंक के कुल कितने पार्ट थे, 5 पार्ट थे, वो नीचे लिखा है, और जो भर गया है यानी कि 30 मिनट में वो ऊपर लिखा है। तो अब इसमें अपना बाहुबली वाला मेथड भी लगा सकते हैं या बहुत सारे मेथड उससे लगा के सॉल्व कर सकते हैं। जो वैल्यू दी गई है 30 मिनट, पहले उसको लिख लो, जो वैल्यू दी गई है 30 मिनट कहाँ गया पेन, हाँ 30 मिनट जो वैल्यू दी गई है उसे लिख लो। यहाँ पर हम लोग अपना बाहुबली मेथड लगा रहे हैं, बाहुबली मेथड क्या होता है आप पुराने वीडियो देखिएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। 30 मिनट का जो परसेंट, जो भिन्न वाला भाग है, एक मिनट,
बहुत सारे लोग आंसर निकाल चुके होंगे। जो 30 मिनट का भिन्न वाला भाग है उसे नीचे लिखिए, तो 30 मिनट का जो भिन्न वाला भाग है कितना है, 2 है, इसे हम लोग नीचे लिखते हैं। तो 30 मिनट के नीचे कितना रहेगा, 2। जो निकालना है उसे उसका गुणा करिए, निकालना क्या है, पूरा टैंक कितने समय में भर जाएगा, तो पूरा टैंक का जो भिन्न वाला भाग है वो कितना है भैया, 5 है, तो 5 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है, बाहुबली मेथड में क्या होता है, जो आपको दिया गया है 30 मिनट उसको ऊपर लिखिए, इसका जो भिन्न वाला भाग था कितना था, 2 था, उसको नीचे लिखेंगे, जो निकालना है निकालना क्या है, पूरा टैंक कितने भरेगा, तो पूरा टैंक में भिन्न वाला जो पार्ट है वो कितना है, 5 है, उसका गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं, उस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 से कैंसिल आउट होगा, तो ये 15 बार, और 15 पचे कितना हो जाएगा भैया, 15 पचे 75, 75 मिनट कहाँ पर है भैया, आपका विकल्प डी में है, तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो हमने इस प्रश्न को इस तरीके सॉल्व किया है। अगर आपके पेपर में ये प्रश्न आता है तो आप ये जो नीचे वाला पार्ट लिखा है आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी एक लाइन लिख के आपके आंसर निकालना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 67 नंबर पे। ये प्रश्न जो है आप सामने देख रहे हैं, ये सुपर टेट में या यूपी टेट में आ चुका है। अब किस में आया है मुझे याद नहीं है, सुपर टेट में हो सकता है आया हो या यूपी टेट में आया, लेकिन ये प्रश्न आ चुका है आपके पेपर में, और इसमें सिर्फ फार्मूला आपसे पूछ रहा है, और फार्मूला आपका ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। एमओ का मतलब होता है, एमओ का मतलब होता है यहाँ पर बहुलक, बहुलक, ठीक है। और एमई का मतलब होता है माध्यिका, माध्यिका, ठीक है। और जो एम दिया है, एम बराबर होता है समांतर माध्य, जो आपका प्रश्न में लिखा गया है समांतर माध्य, ये इसका मतलब होता है। तो यानी कि अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो हमारा फार्मूला बनेगा बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, ये फार्मूला बनेगा। तो फार्मूला रट मार लीजिएगा, ये फार्मूला 2-4 बार पूछा जा चुका है अनेक परीक्षाओं में, तो फार्मूला रट मारिएगा। फिर से फार्मूला लिख देते हैं, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका और माइनस के 2 गुणे समांतर माध्य, ठीक है। ये फार्मूला रट डालिएगा, इसको शॉर्टकट में जो सी वाला विकल्प है उस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में धनराशि स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार के प्रश्नों में कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाकर भी हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं वर्ष, ठीक भाई, यहाँ पर लिख देते हैं गुना, ध्यान से देखिएगा। अब 4 वर्ष जब बीतता है तो वो धनराशि अपनी दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। चलो इसको रुपया मान लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास, मान लेते हैं समझाने के लिए अभी मान रहे हैं, मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपया है, जब दोगुना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, ये इसके कहने का मतलब है। तो 4 वर्षों में क्या होता है, दोगुना हो जाता है, यानी कि अगर हमारे पास 100 रुपया था तो ये दोगुना हो गया, 200 रुपया हो गया। तो इसके फिर समझिए इसको, इसके कहने का क्या मतलब है कि जब 4 वर्ष आएगा, 4 वर्ष बीतेगा तो हमारे जितना भी रुपया है वो दोगुना हो जाएगा, ये इसके कहने का मतलब है। तो हमें निकालना है कितनी कितने समय में वो क्या होगा, 8 गुना होगा। तो 8 गुना यानी कि हमें 800 तक कब हम पहुंचेंगे ये निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, 4 वर्ष में कितना हुआ, 2 गुना यानी कि 200 हुआ। फिर अगर अगला 4 साल बीतेगा तो ये दोगुना हो जाएगा, यानी 400 हो जाएगा, दोगुना होना ना, यहां से क्या करना है, दोगुना, समझ रहे हैं। फिर अगला 4 साल बीतेगा, फिर अगला जब 4 साल बीतेगा तो यहां से ये दोगुना होगा, तो दो गुना जब होगा तो कितना हो जाएगा भैया, 4 का दो गुना कितना होगा, 800, 400 का 800, तो देखिए 8 गुना हो गया ना, 8 गुना मतलब 100 रुपया था, 800 हो गया, यानी 8 गुना हो गया। और कितना साल लगा, कितना साल लगा हमारा, 4 और ये 4, कुल मिला के हो गया 12 वर्ष। तो 12 वर्ष में जो हमारा रुपया था वो 8 गुना हो चुका है, यानी कॉमन सेंस से इस सवाल को सॉल्व किया है। कोई फार्मूला लगाने की यहाँ पर आवश्यकता आपको नहीं है, एक तरफ वर्ष लिख लीजिए और एक तरफ गुना लिख लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो कॉमन सेंस लगाया है आपने, ये जो तरीका लगाया है, ये जो प्रश्न किसका है, ये प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज का ही अगर आपको प्रश्न मिले तो ये वाला तरीका लगाइएगा, ये तरीका साधारण ब्याज वाले प्रश्नों में नहीं लगाना है, ठीक है।
तो एक तरफ वर्ष लिख लिया, एक तरफ गुना लिख लिया, रुपया 100 रुपया मान लिया है, जब दोगुना हुआ तो 200, फिर अगला 4 साल बीतेगा उसका दोगुना 400 रुपया, फिर अगला 4 साल बीतेगा उसका दोगुना 800 रुपया, तो 4 4 4 कितने साल हो गए, 12 साल हो गए, 12 साल में 100 रुपये का हमारा 800 बन गया है, यानी 8 गुना हमारा रुपया हो गया है। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। देख भाई, यहाँ पर ए का मान दिया गया है, ए का मान कितना है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। यहाँ पर बी का मान लिखा गया है, बी का मान कितना है, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a माइनस के b निकालना है। a माइनस बी का मतलब आपको इससे पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व हम लोगों ने किए हैं ढेर सारे, उसमें बताया है a माइनस बी का मान का मतलब होता है a में से b घटाना, इसका मतलब नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग बेन डायग्राम को सॉल्व कर रहे हैं, तो a माइनस बी का मतलब होता है कि a का ही मान आपको लिखना है, जो a का मान है कितना मान है, 0, 1, 2, 3, 4, यही मान आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पर वो संख्याएँ नहीं लिखनी है जो आपके बी में हों। कहने का मतलब ये ए वाला ही मान तो हम लोग लिखेंगे आंसर में, लेकिन वो संख्या नहीं लिखेंगे जो हमारा बी में होंगी। तो कहने का मतलब 0 लिखेंगे, हाँ लिखेंगे क्योंकि बी में नहीं है, 1 लिखेंगे, हाँ 1 भी लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे क्योंकि 2 हमारे बी में नहीं है, 3 लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे क्योंकि ये भी 3 हमारे बी में नहीं है। अब ए का मान यहाँ पर कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे, नहीं 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 हमारा बी में भी है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 1, 0, 1, 2, 3, 4 होगा। इस बी के मान से हमें कोई मतलब नहीं है, इस बी के मान से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ए का ही मान लिखना है, लेकिन वो मान लिखना है जो सिर्फ ए में हो, बी में ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो आंसर आएगा 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ पर है भैया, ये आपके विकल्प डी में है, तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन 10 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, या आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को या जानने को मिली हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक सूचना है, सूचना ये है कि अब आपको मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप एक प्रैक्टिस सेट खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत जो होती है मार्केट में लगभग 150 रुपया होती है। कोई 120 रुपये की किताब मिलती है, कोई 150 की मिलती है, कोई 200 रुपये की किताब मिलती है, और उसमें कितने प्रैक्टिस सेट होते हैं, किसी में 10 प्रैक्टिस सेट होते हैं, किसी में 15 प्रैक्टिस सेट होते हैं, कोई बुक मिल गई उसमें 20 प्रैक्टिस सेट भी दे दिया गया, तो 20 प्रैक्टिस सेट के लिए आप 150 रुपया खर्च करते हैं। अगर ऐसी 10 किताबें आप खरीद लेके आएंगे तो आपका 1.5 से 2,000 रुपया खर्चा हो जाता है। ये सारे काम अब आपको नहीं करने हैं क्योंकि द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा है, और वो भी मात्र मात्र 100 रुपये के शुल्क पर। तो 100 रुपये में 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे, और इसके लिए आपको मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहीं से आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। मार्केट में आपको अपना रुपया खर्च करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जो भी आपकी शिकायतों हों, सुझाव हों, वो सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।